नमस्कार के बेक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर चली नाव। कर्नाटक में 14 लाख अपत्र राशन कार्डों की पहचान की गई, जिनमें से 3.64 लाख कर दिए गए हैं दर्ज। महाराष्ट्र मातोश्री पहुंचे कांग्रेस नेता बाल साहेब थोराट, उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहे। आयकर दर्शन ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हत्याकांड मामले में मांगी जमानत। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना, कई देशों के नेताओं संग करेंगे मुलाकात। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार से मिली मंजूरी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मध्य प्रदेश जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोग घायल। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, ये सभी केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। महाराष्ट्र में एमएनएस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, बेटे अमित ठाकरे का नाम नहीं। जम्मू कश्मीर गगनगिरी आतंकी हमले के खिलाफ पुलवामा में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी बुलंदशहर सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 6। मुंबई सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स ने मांगी माफी। बिहार सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, नीतीश कैबिनेट आज दे सकती है दिवाली का बड़ा गिफ्ट। मुंबई में बीजेपी को बड़ा झटका, शरद पवार ने बड़े नेता को तोड़ा, अब होगा असली खेल। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के साथ मुंबई में लगे सीएम योगी के पोस्टर। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर उड़ीसा में रेड अलर्ट, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पूंछ में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना के जवानों ने की फायरिंग। यूपी बुलंदशहर के जिस घर में ब्लास्ट हुआ सिलेंडर, उसमें थे 18 से 19 लोग, 5 की मौत, 3 गंभीर। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम सुनवाई, जब सीजेआई ने योगी सरकार से पूछा क्या नीट दे सकते हैं मदरसे के छात्र। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्ला ने अस्पताल के नीचे बंकर में छुपा रखे हैं लाखों डॉलर और सोना। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।